चुके हैं, लाइक अभी वैन में बैठे हुए हैं। एंड ये बानी, बानी कुछ बोलो। हमें हॉस्पिटल जाना था तो हम आ गए हॉस्पिटल, क्योंकि हमें बुखार था, थोड़ा ही था, तो इसलिए। मेरा पहला दिन है, लाइक अभी जस्ट हाफ आवर, हाँ एक घंटा हो चुका है। एंड ये देखो, जिससे मुझे नफ़रत है वो मिला है मुझे खाने को। ये मेरे को नफ़रत है इस चीज़ से, बट यहाँ पे ठीक है। ये शायद छोले हैं एंड सलाद, दही, एंड मेरे को पता ही नहीं, मेरे को लगा चावल होगा, चावल नहीं है। दो रोटी ऑलरेडी है, ऊपर से मैंने एक और रोटी एक्स्ट्रा ले लिया। मुझे लगा इसमें कुछ और होगा, लेकिन इसमें भी रोटी निकल गया, तीन तीन रोटी हो चुका है। एंड यहाँ पे है गोविंद एंड वो रहे चाचा जी। और ये है मेरा बेड, जो कि 7 डेज के लिए मेरा ही होने वाला है। एंड यहाँ पे मैं ही होने वाला हूँ, मे बी 7 डेज या मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन की, इधर का लोकेशन कैसा है। ये जो हॉस्पिटल है वो सेक्टर 125 में है, एंड इसको टाटा हॉस्पिटल बोल रहे हैं, जैसा कि कॉल पे आया टाटा हॉस्पिटल। लग तो नहीं रहा कहीं से हॉस्पिटल। और ये है क्वारंटाइन प्लेस, ये देखो। एंड ये है बाहर का कुछ व्यू। ये तो हमें बड़ा ही कंफ्यूज हो गया था, लाइक वो जो डॉक्टर थे बहुत ही डिस्टेंस में, लाइक हाँ एक डिस्टेंस में, लाइक मैं और गोविंद थे ना, हाँ इतने डिस्टेंस में वो खड़ी थी। थोड़ा सा हटा लेता अभी ना, वो पुरानी चीज़ याद आ गई। लाइक एक ब्लॉग में जो मैंने बोला था मेरे मास्क हटाने से आप लोगों को कोरोना नहीं होगा, वो वाला चीज़ मेरे को याद आ गया, इसलिए मेरे को हंसी आ गई। तो मैं बताता हूँ कि इतने डिस्टेंस में थे, एंड वो जो डॉक्टर थी उन्होंने बताया दवाई, और दवाई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज, बस क्योंकि सारे दवाई एक ही जैसे लग रहे, सारे ब्राउन कवर में ही है, ब्राउन कलर का कवर है उसमें ही है, पता ही नहीं चला। फिर दोबारा भी गए, हमने पूछा उनसे, एंड उन्होंने बताया, तो अब कन्फ्यूज जो थे वो क्लियर हो चुका है। एंड हमें पता चल गया कौन सा दवाई कब खाना है। यस, अभी जस्ट हमारा खाना भी हुआ है, आपने देख ही लिया होगा, तो अभी जस्ट लेटे हुए हैं। एंड होप सो कि सब अच्छा हो। शाम का हो रहा है 4, एंड मेरे को स्टिल अभी भी नींद नहीं आ रही है, पता नहीं इन लोगों को कैसे नींद आ रही है। ये रहा गोविंद, बट धूम हो गया नहीं हो पा रहा गोविंद, एंड वो रहे चाचा जी, हो गया सारे लेटे हुए हैं। एंड कोई ऐसा इशू नहीं है, पर पता नहीं नींद नहीं आ रहा। मैं तब से लगातार यही बाहर का व्यू देखूँ पाए जा रहा है, यहाँ से अचानक से कभी कभार सनलाइट आने लगता है सीधा फेस पे, कभी कभार क्लाउड कवर कर लेता है, इतना ही आता है। फर्स्ट टाइम अभी घर को मिस कर रहा हूँ, लाइक मेरे को अभी चाय पीने का इतना मन कर रहा है, 4 बज चुका है। चाय को मिस कर रहा हूँ अभी, जैसे मैं होप सो कि चाय वाय मिलता हो, अनाउंसमेंट हो, लाइक वहाँ पे है स्पीकर, कहाँ गया? अच्छा हाँ, वो रहा एक काला सा वहाँ पे पीछे पीछे, हाँ उधर है, अनाउंसमेंट हो एंड बोले कि आओ भैया चाय पी लो ऐसा कुछ। एंड गोविंद भी उठ चुका है, वो रहा कहाँ गया? हाँ ये रहा चाचा जी को, पता नहीं इतना नींद क्यों आ रहा है। ये देखो जगह हुआ है, बट वो चाचा जी को देखो, वो देखो पूरा देख, जब से खाए तब से सोए हुए हैं, पता नहीं कौन सा टैबलेट खा लिया है। एंड हम यहाँ पे थोड़ा वॉक करने आ गए हैं, नीचे शायद पेशेंट अभी तुरंत आया है, लाइक वो देखो, यस वो लेके आए हैं, वो रे भाई साहब वहाँ पे। एंड ये देखो पूरा इतने बड़े बड़े से बिल्डिंग वगैरह है, फर्स्ट टाइम मैं इस तरफ आया हुआ है। एंड इधर ही देखो, हर जगह वही मिलेगा आपको। एंड एक और चीज़ बता देता हूँ, इसके जस्ट थोड़ा सा इस तरफ MIT यूनिवर्सिटी है, वो रेड कलर वाली है। हाँ अब वो देखो क्या प्यारी गाड़ी है यार, वो देखो वहाँ पे है, ये रहा लाइक वो रहा है फ्लोर नंबर 2, एंड नीचे वो है। एंड ये देखो कितना ऊपर है, लाइक ये देखो आए थे तो हुआ ये था कि मेरे को लगा कि फर्स्ट फ्लोर पे है, एक हमने ऊपर चढ़ा वो ग्राउंड था, लेकिन मेरे को लगा फर्स्ट फ्लोर है वो, फिर हमने एक और फ्लोर ऊपर चढ़ा, फिर लगा सेकेंड फ्लोर आ गए, लेकिन वो वुमेंस का था, मैंने जैसे एंटर किया उन्होंने बोला नहीं 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 ऊपर जाओ, तब फिर मैं ऊपर आया सेकंड फ्लोर में। ऊपर हाँ ऊपर नहीं भरा, ऊपर खाली है। अच्छा मतलब ये 2 ही फ्लोर का है, और हमारे फ्लोर में है 200 ऐसे ही था, 261 बेड लगे पड़े, मेरे को लगा था 60-70 ही हैं, लेकिन 261 बेड है। अभी चाय के लिए बोल ही रहा था एंड वहाँ पे चाय आ गया। एंड अभी टाइम हो रहा है 4:24, सो चाय आ गया है।
चलो चलते हैं, मेरा चप्पल कहाँ है यार। ये आई नो कि ये गंदा है बट क्या कर सकते हैं, तो इसमें है फिर काफ़ी गंदा है यार। कोई नहीं, चले वो कल आएगा साफ करने के लिए, अब क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे रखना नहीं है गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे है चाय, यस ये चाय है एंड ये ठंडा है, ठीक है इसको छूने से ही पता चलता है कि ये ठंडा है। ठीक है देखो चाय ठीक है बट ठंडा है यार, इसको पी लिया। ठीक है अभी वॉशरूम में हूँ, आई नो कि थोड़ा फनी है बट ये देखो बाहर में बारिश हुई है, ये देखो कितना साइन संवार रहा है, बादल पूरा लगा हुआ है। किस धूप की बात कर रहा हूँ वो ये देखो, अचानक से सनलाइट सीधा फेस पर पड़ता है। एंड ये प्लेस जहाँ पर मैं लेटा हूँ, ये प्लेस मैंने इसलिए चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो चार्जिंग पॉइंट एंड सेकंड क्या ये व्यू आएगा, बट मेरे को ये नहीं पता था कि ये जो सनलाइट है सीधा आँखों में पड़ेगा। गाइस ये व्यू देखो लाइक कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है, एंड ये रहा मैं। यस तो हम खाना पीना खा के लेटे हुए हैं एंड सर में मेरे को पता नहीं हेडेक से स्टार्ट हो गया, जस्ट अभी खाना खाया है एंड मेरे को हेडेक हो गया। जो भी हमें मेडिसिन दिया था वो मेडिसिन वगैरह हमने खा लिया है। उनके टाइम पे आपको बाहर का व्यू दिखेगा, रात के टाइम पे हम खुद अपने आप को देख सकते हैं जैसा कि है। तो बस आज का दिन इतना ही था, उसके आज पहला दिन है तो थोड़ा सेटलमेंट होने में, थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। यस और मैं पहली बार नहीं वैसे तो बहुत बार मैंने अपने फ़ोन से ब्लॉक किया है, बट ये जो भी ब्लॉक कर रहा हूँ ये मैं फर्स्ट टाइम पूरा ब्लॉग मैं अपने फ़ोन से बना रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ठीक ठाक लग रहा हूँ, और नहीं भी लग रहा हूँ तो मैं इतना ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, जो भी रखना चाहता हूँ रॉ रखना चाहता हूँ। एंड बस इतना ही था, बाकी अब कल मिलते हैं और मैं थोड़ा सा सो भी जाता हूँ, क्योंकि मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है मैं जाता हूँ सोने के लिए, आप लोग भी सो जाओ एंड यस गेट वेल सून मुझे बोलो। ठीक है और आज का दिन था फर्स्ट, ऐसे हम धीरे धीरे करते रहेंगे, कॉज कि ऐसे में क्या होता है थोड़ा सा जो मन होता है ना वो थोड़ा अलग जगह पर डाइवर्ट होता है। ठीक है बस यही था।